गाइस हमारे एक सब्सक्राइबर है, उन्होंने पूछा था कि मलिक वो अमित जी आपके पास में कौन सी बाइक है। तो गाइस हमारे पास R15 है, चलिए अब चलते हैं, लेट्स गो। और गाइज हम लोग रुके हैं यहाँ पर चाय पीने के लिए, मेरे पतिदेव का वो मन हुआ है चाय पीने का। नहीं मेरा नहीं हुआ है, बना मत बना। यार तूने बोला ना मुझे, मैं तो भूली हुई थी चाय पीने को लेके। भाई ये चाय की बहुत बड़ी फैन है। नहीं मुझे ऐसे प्लेसेस पे चाय पीना बहुत अच्छा लगता है, जैसे हम कहीं पे भी जाए रोड साइड, तो मैं रोड साइड चाय मुझे बहुत अच्छी लगती है। और गाइस यहाँ पे जिस शॉप पे हम बैठे हैं ना चाय पीने के लिए, यहीं पे ही ना पानी की वो कलकल वाली आवाज जो होती है वो बहुत अच्छी आवाज सुनाई दे रही है। मतलब थोड़ा सा शांति सी, अगर रोड पे वाहन ना जाए तो उस टाइम पे बहुत आराम से कलकल की आवाज यहाँ से सुनाई देती है। ले 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 ले। ओए ओए कितना प्यारा डॉगी है, आहा देख लड्डो कितना प्यारा डॉगी, घराने चल लेके चल, मैं तो ले जाऊंगी और वो तो पूरी बात सुने। ये गाइस जिस शॉप पे हम यहाँ पे चाय पीने के लिए रुके हैं, ये मैं उसके बैक साइड आई हूँ अभी, और ये देखो ये यहाँ से आवाज आ रही है पानी की, देखो कितना पानी है इधर। मैं तभी बोल रही कि यहाँ से इतनी कलकल की आवाज सुनाई दे रही है, बहुत अच्छा लग रहा है उधर बैठ के भी। ये आप देख सकते हो इधर कितना प्यारा नजारा है, और ये और ये पियेंगे भाई यहाँ पे पीछे नदी को देखते हुए आराम से, बड़ी प्यारी आवाज आ रही है पानी की। हाँ मैं तब बोलने रही थी उधर बैठे हुए कि यार बड़ी सुंदर सी आवाज है। और ये देखो भाई ये चाय पीने के बाद प्रकृति का आनंद उठाते हुए, ऐसी जगह पे ना जब इंसान 2 मिनट के लिए शांति में खड़ा होता है तभी एक एक चीज नोटिस करता है। और भाई ये देखो कितना प्यारा नजारा है यहाँ पे, और ये शॉप है और ये पी जा रही है यहाँ पे चाय। और गाइस अब निकलते हैं, हम लोगों ने यहाँ पे चाय पी ली, अब निकलते हैं आगे, अब चलते हैं भाई फाइनली डेस्टिनेशन की ओर, लेट्स गो। और गाइस आज हम लोग पहुंचे यहाँ पर, ये अभी इसके अंदर एंट्री करेंगे। गाइस हम लोग ले रहे हैं अभी टिकट, आप बताओगे मोरी रिवर गार्डन, आप बताओगे हम कौन सी जगह पे है। ये भैया आप अत्तरपल्ली जाते हैं तो रास्ते में एक डैम आता है, ये बहुत फेमस है, ये बस पे देखो आप लिखे हुए। और अभी लेंगे टिकट, की भी टिकट वैसी है जैसे अत्तरपल्ली वाटरफॉल की है, और ये पीछे दिखा रखा है कुछ, अभी चलते आगे, पार्किंग आगे है। गाइज ये सामने इधर एंट्री गेट है, अभी चलते हैं आगे, चलते हैं आगे। आपके गार्डन में एंट्री होती है इस साइड से, यहाँ पे पार्किंग स्पॉट है जहाँ पे आप अपना व्हीकल बाइक पार्क कर सकते हो, और ये वहीं पे जहाँ पे आपका टिकट काउंटर वहीं पे आपकी पार्किंग फीस ले ली जाती है। और अभी देखते हैं भाई यहाँ पे क्या क्या देखने को मिलेगा हमें। भाई अब थोड़ी सी दूर चलते हैं, आपको एक बहुत अच्छी सुंदर कलाकृति दिखाई देगी, अभी दिखाते हैं आपको। चिल्ड्रन पार्क में एंट्री का गेट है, बंदर के रूप में बना रखी है कलाकृति, बड़ी सुंदर सी। दिखाने वाला आपको बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड चीज़, एक तो ये पेड़ बरगद का, ये कुछ ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है। इन व्यू पॉइंट के लिए यहाँ से आके और यहाँ के ऊपर चढ़ के जाना है, और फिर दिखाते हैं आपको जो इंटरेस्टेड चीज़ जो मुझे अच्छी लगी यहाँ पर आने के बाद। कितना अच्छा लग रहा पानी ऐसे गिरते हुए भाई,
और ये बिल्कुल हमारे पास से भी गिर रहा है, और वो एक हैंगिंग ब्रिज। अभी चलते आगे आगे से देखते हैं भाई ये कितना प्यारा लगता है, कैसे क्या लगता है। 1 2 3 4 5 6 7 और ये देखो भाई और ये ब्रिज ऐसा ही है जैसा राम झूला लक्ष्मण झूला ऋषिकेश में। इस पे के जाना है, चलेंगे चलेंगे। जब आप इस साइड आओगे तो यहाँ से आपको एक तो हैंगिंग ब्रिज दिखेगा, वो दिखाई दे रहा है, और यहाँ पे सिर्फ चिल्ड्रन पार्क है जहाँ पे बच्चों के झूले लगे हुए हैं, वो आराम से खेल सकते हैं। और ये एक कनाल है। अभी जा रहे हैं हम हैंगिंग ब्रिज का रास्ता ढूंढने, पहुँचते हैंगिंग ब्रिज पे और वहाँ से देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस रहता है। ये मेरे पीछे आप ये बेल देख रहे हो जो ऊपर चढ़ी हुई है पेड़ पे, मुझे इसका नाम पता नहीं है, लेकिन जब आप इसको देखते हो तो ये दूर से बड़ी सुंदर लगती है और पूरे पेड़ को घेर लेती है। ऐसे कैसे आनंद उठाया जा रहा है खुशबू का, क्या लग रहा है श्रीमती जी आपको इस गार्डन में आने के बाद? अब उत्सुकता हो रही है उधर हैंगिंग ब्रिज पे जाने की, और गार्डन बाद में देखेंगे, पहले हैंगिंग ब्रिज पे चलते हैं। तो भी भाई हमारे सामने स्टेज है, देखते हैं हमें हैंगिंग ब्रिज तक लेके जाएंगे या नहीं। जैसे ये जगह है यहाँ पे बहुत कुछ है, मतलब कई सारी चीजें ऐसे लिखी हुई है, जैसे चिल्ड्रन पार्क है, हैंगिंग ब्रिज है, और एक दो चीज और है, डैम है। तो उस चीज का मतलब है कि वैसा नहीं है, कंफ्यूजन बहुत ज्यादा है कि अब इधर जाए या उधर जाए, तो अब हम लोग इधर जा रहे हैं। भाई जैसे होता है ना, आप किसी भी प्लेस पे जाते तो डायरेक्ट वहाँ पे डायरेक्शन लिखी हुई होती है, तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे अलग अलग लिखा तो हुआ, ये चिल्ड्रन पार्क है और ये मतलब बोटेनिकल गार्डन टाइप से कुछ है, लेकिन यहाँ पे एक प्रॉपर गाइडलाइन नहीं है कि आपको इस साइड वहाँ जाना है। तो अभी चलते हैं, लेट्स गो भाई। आपको यहाँ पे बहुत सारी बटरफ्लाई मिलेंगी देखने को, तरह तरह की ये सब। और फाइनली जो हमारा डेस्टिनेशन था वहाँ पे गए हैं हम पहुँच। अभी होता स्टार्ट हमारा डेस्टिनेशन हैंगिंग ब्रिज, और यहाँ पे भाई आप बैठ के आनंद ले सकते हो व्यू का। गाइस ये हैंगिंग ब्रिज की यहाँ से एंट्री है, और ये देखो हमारे भक्तदेव कितना आनंद ले रहे हैं यहाँ पे। ये ऐसे ऊपर में इस ये वाला ब्रिज ऐसा है, इस पे बाइक लेके आराम से जा सकते हैं, इस पे इतना डर भी नहीं है। पानी की आवाज आ रही है, वो बड़ी प्यारी है, हो सकता है मेरी आवाज कम सुनाई दे पानी की आवाज की वजह से। और यहाँ पे जो हवा चल रही है वो बड़ी मस्त लग रही है, ऊपर से धूप नहीं है, ठंडा मौसम है जो वेदर को और ज्यादा मस्त बना देता है। अभी चलते हैं बीच में, लेट्स गो। एक बार मैं यहाँ से व्यू दिखाती हूँ आप लोगों को, ये देखो आप चारों तरफ का व्यू, यार कैसा, ऊपर बादल, नीचे पानी और ग्रीनरी, मतलब ये बिल्कुल बहुत अच्छी फीलिंग है। और गाइज इधर चारों तरफ देख सकते हो आप लोग। बहुत ही, जो हम उस वाले पे गए थे उससे तो बहुत बहुत अच्छा है। लेकिन भाई पता, वो देखने में ऐसा लग रहा था कि वो बिल्कुल नेचर के साथ मिलके बनाया गया है। हाँ। और ये है, ये इतना बड़ा नहीं लेकिन बहुत औसम है। आप कभी ऋषिकेश हरिद्वार जाओगे तो वहाँ पे इसे कम से कम भी 2 या 3 गुना बड़ा आपको हैंगिंग ब्रिज देखने को मिलेगा, जिसका नाम है राम झूला लक्ष्मण। देखो गाइस हम लोग बीच में बैठ गए, थोड़ी देर बैठ के तब हम आगे जाएंगे, क्योंकि बिल्कुल भी आगे जाने का मन कर नहीं रहा है। ये देखो इन्हें भी आराम से आनंद ले रहे हैं भाई यहाँ पे बैठ के, नेचर का बड़ी प्यारी सेवा सुनाई दे रही है। और उससे अच्छी चीज है जो धूप है वो नहीं है, तो बिल्कुल मजा आ रहा है ऐसे बैठे हुए बीच में नदी के ऊपर। तो ये तुझे ऐसे 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 हिलता नजर आ रहा वीडियो में, हल्का हल्का सा हिल रहा है। एक बार यूं। और भाई हल्का हल्का सा हिल रहा है,
अगर आपको कैसे दिखाऊं मैं, देखो अगर यहाँ पे देखोगे ना तो आपको फील होगा ये जो रोक है वो अलग से दिखाई दे रही हिल रहा है, और वहाँ पे वो हमें देख रहे हैं कि ये दो मूर्ख आदमी क्या कर रहे हैं यहाँ पे और ये देखो भाई आप नज़ारा यहाँ से सब जा रहा है। सामने पहाड़ और ऊपर से ये बादलों का वेदर। गाइस मैंने ऐसे ही फोटो उतार रही थी इसकी, या तो ये रिलैक्स होके बैठा था या इतनी जल्दी ऐसे पोज ली इसने, बस मतलब एक मिनट नहीं लगाई यार कितना प्यारा नजारा है, सच में दिल छू गया। गाइस अभी हम चलते हैं आगे, आगे। लेकिन यहाँ पे दीवार बना के कुछ इंटरेस्टिंग सा कर रखा है इन्होंने। ये दीवार बनी हुई हाँ। गाइस ये जैसे एक आकृति सी बनी हुई दिख रही है, ये यहाँ से ऐसे ऐसे ये इन्होंने अपने आप से क्रिएट किया हुआ है, बहुत ही सुंदर है। चलो आगे चलते हैं, भागो 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 भागो। सबसे बड़ी बात है इस वाले हैंगिंग ब्रिज पे डर भी नहीं लग रहा है, भागते हुए चलते हुए इस पे तुम भाग सकते हो, खेल सकते हो और मतलब कुछ भी कर सकते हो। बीच में ये पेड़ कितना सुंदर लग रहा है पड़ा हुआ। बहुत ही ज्यादा लाजवाब लगाई दिखाई दे रहा है भाई, ये मतलब फैंटास्टिक, वहां से एकदम से सीधा पानी आता है और यहाँ यहाँ पे ये हल्का सा इन पे दीवार बनाया गया है और ये दीवार बना के उस वजह से ये बहुत ही सुंदर लगता है। अभी चलते हैं आगे, लेट्स गो। और ये पीछे बादल पहाड़ जैसी फीलिंग आ रही है, इधर और इधर ये बादल ही बादल, इधर ग्रीनरी, मतलब यार पानी 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 सब चीजें एक अलग ही लेवल की है। पानी है दो तरफ, पहाड़ है, पेड़ है और ऊपर से वेदर इतना अच्छा हो रखा है, बादल ही बादल। बस उधर तो क्या करेंगे जाके नीचे, नहीं उधर फिश इस पा है वो हमें लेना नहीं, ना ना टाइम 4 बज रहे हैं। ये ऐसा लग रहा है जैसे इधर एकदम फ्लैट सरफेस है और ये एकदम से फिर ये ऊंचा नीचा ऐसे बनाया गया है, बट ये पानी है, बहुत ध्यान से देखो पानी का बहाव भी एकदम से फ्लैट लग रहा है। जमीत बोल रहा है कि यहाँ पे इधर हाथ लगा के और फिर वापस चलेंगे, यहाँ पे भी क्या हाथ लगाना यार, क्योंकि भाई जो टाइम है वो कम है। चलो हमें पहुंचना घर, और ये यहाँ पर हैंगिंग ब्रिज का इधर से एंड होता है और यहाँ पे भी सब लोगों ने अपने प्यार की छाप छोड़ी हुई है जो हर जगह छोड़ते हैं। कुछ एंट्री फीस है यहाँ पे कुछ, वही फाइनली यहाँ पे आने के बाद वहाँ पे कुछ एडवेंचर स्पोर्ट्स आप करना चाहे या फिर फिश मसाज लेना चाहे तो वो भी ले सकते हैं। और अब हमने डिसीजन लिया हम जा रहे हैं वापस दूसरी तरफ गार्डन की तरफ और उसके बाद हम जाएंगे घर, क्योंकि अभी जो टाइम है वो लगभग 5 बजने वाले हैं और यहाँ लगभग हमें 1 घंटा हो गया है ऐसे यहाँ बैठ के हमने आनंद लेते हुए टाइम बिता दिया, पता ही नहीं चला। तो अभी मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में ब्रिज की दूसरी ओर। देखो वही प्रकृति भी क्या क्या नज़ारे दिखाती है, कहीं पे धूप है कहीं छाँव है, ये देखो कितना प्यारा सा नज़ारा उस तरफ। आपको यहाँ का कुछ स्ट्रक्चर के बारे में बता देता हूँ, ये सरिया टाइप से है जिसमें बीच में जोड़ लगाया गया है और ये दूसरी तरफ पूरा लोहे के मोटी मोटी एंगल से बनाया गया है और जो मेन केबल है वो दो ये दिखाई दे रही है जो नीचे है वहाँ पे, और साइड में ये जाल लगा हुआ है और ये वाली केबल अटैच है यहाँ पे। भाई ये चार्जेज है यहाँ पे, एंट्रेंस फी 20 रुपीज़ है, वीडियोग्राफी 1000 रुपीज़, अगर आपके पास कैमरा है और स्टिल कैमरा तो 25 रुपीज़। यहाँ पे जैसे आप हैंगिंग ब्रिज से वापस एंट्री करोगे
एक और टिकट काउंटर है और एक टिकट काउंटर है एंट्रेंस पे। ये वो वाली केबल आ जाती है हैंगिंग ब्रिज वाली, जो यहाँ पे आके कनेक्ट हो जाती है अर्थ से। ये जो बना रखा है स्पेशल उनके लिए, ये यहाँ पे कनेक्ट हो जाती है। एक छोटा सा प्यारा सा झरना बनाया हुआ है जो ऊपर से आ रहा है, और भी ज़्यादा प्यारा हो जाता है ऊपर से आते ही। ये इधर में, और अभी चलते हैं लेट्स गो। हमारी श्रीमती जी जा चुकी हैं बाइक पार्किंग के पास में, और ये बेल भाई बहुत बुरी हो रखी है, जैसे मूवीज में दिखाते हैं ना कोंडा, उस टाइप से लग रही है। ने ले लिया था शॉर्टकट, और वो हमारी श्रीमती जी ये सोचते हुए कि मैं ऐसे यहाँ कैसे पहुँच गया। कैसा लगा मेरा शॉर्टकट? सुना ही नहीं दिया, बिल्कुल पसंद नहीं आया, बिल्कुल पसंद नहीं आया। अभी भाई पहुँच गए अपनी बाइक के पास। लोग वापस जा रहे हैं,